पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक ने पुस्तकालय सह वाचनालय भवन का किया उद्घाटन। मधुबनी जिला स्थित मिथिला के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर वैवाहिक स्थल सौराठ सभा गांची के प्रांगण में नवनिर्मित पुस्तकालय सह वाचनालय भवन का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सांस्कृतिक केंद्रों के पुनर्स्थापित एवं पुनर्जागरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिथिलांचल के हृदय स्थली सौराठ सभा गांची का उत्कर्ष 14वीं शताब्दी में हरिसिंह देव ने किया था। मिथिला के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त इस जगह में देश विदेश से लोगों का आगमन होता रहता है। मौके पर उपस्थित लोगों ने विधायक के ऐच्छिक विकास कोष से पुस्तकालय सह वाचनालय भवन के निर्माण को सराहनीय कार्य बताया। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में भाजपा नेता शंकर झा, संवेदक पवन ठाकुर, संतोष भगत, आनंद झा एवं शंभुनाथ झा सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। बीएनबी न्यूज के लिए संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। देखिए, आज ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि सौराठ जैसे मिथिला के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान पर मेरे विधान पार्षद कोष से भवन का निर्माण हुआ है। मैं आज इस पुण्य का भागी बना कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम मिथिला के लोग, मिथिला के एक्टिविस्ट भी रहे हैं, विधायक, विधान पार्षद के अतिरिक्त। इस हिसाब से मैं आज गौरवान्वित हूँ कि इसमें मुझे फंड देने का मौका मिला। सौराठ अपने आप में मिथिला के संस्कृति का केंद्र है। सिर्फ ये वैवाहिक सभा नहीं है, या सिर्फ वैवाहिक सभा नहीं थी, इसके अतिरिक्त इसका यहाँ लोग आना, लोगों का व्यवहार, लोगों का शास्त्रार्थ, धर्म के प्रति लोगों की आस्था विभिन्न आयामों को उजागर करती थी। इसलिए समग्र मिथिला का सोच, सांस्कृतिक सोच, आध्यात्मिक सोच का ये मुख्य केंद्र रहा है। और इस केंद्र पर अब यहाँ के नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सौराठ के नौजवानों ने पुनर्जागरण का प्रयास किया है। भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्स्थापित करने का, पुनर्प्रतिष्ठित करने का, हमारे संस्कृति के विभिन्न आयामों का वो प्रयास उनका जारी है। तो राम मंदिर का निर्माण हो या महाकाल के यहाँ उसका काम आगे बढ़ाना हो या भव्य काशी, दिव्य काशी का सवाल हो, इसी अनुरूप सौराठ के नौजवानों ने यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है इसको लेकर उनकी चिंता है, और ये हमारे उज्जवल भविष्य का द्योतक भी है कि यहाँ के नौजवान चिंतित है कि सौराठ का जो उज्जवल भविष्य, उज्जवल इतिहास रहा है, फिर उज्जवल भविष्य हो इसका, ये चिंतित है, उसका गौरव पुनर्स्थापित हो, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के सोच के अनुरूप है। इसलिए हम लोगों के लिए भी ये एक अच्छा अवसर है कि यहाँ कुछ किया जाए। इस बार मुझे पता लगा कि करोड़ों पार्थिव महाशिव की पूजा यहाँ होगी। ये भी एक मिथिला की ही विशिष्ट परंपरा है। महादेव तो देवासी देव हैं, वो दुनिया में पूजित हैं, भारत में तो सर्वत्र पूजित है, हिंदू धर्म के इतर भी लिंगायत और बाकी लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पार्थिव के रूप में वो मिट्टी के छोटे छोटे महादेव को जोड़ करके जो पार्थिव शिव बनते हैं उसकी परंपरा मिथिला की है, और उसका काम यहाँ प्रारंभ होगा।
मुझे पता चला है कि हमारे इस भवन का उपयोग उसमें लोग करेंगे, इसलिए मेरा आग्रह था कि नवंबर से पहले